So today we are going to discuss the following topic, FOSS, that is called FOSS in short, cyber crime, cyber laws, IT Act, and e-waste hazards. So first is FOSS. It stands for free and open source software. Let us see what are these. Free software. Free software is a software that can be freely used, modified, and redistributed with only one restriction. And the restriction is any redistributed version of the software must be distributed with the original terms of free use, modification, and distribution. इसका मतलब अगर free software आप use कर रहे हैं, उसे आप redistribute करना चाहते हैं, कोई नया version आपने उसमें changes करके तैयार किया, तो ये भी ध्यान रखना है जो original terms and conditions थी use करने की, modify करने की और distribution करने की, वो इसके साथ distribute होंगी. Open source. See, the source code or source is the code of an application software. यानी किसी भी project का, किसी भी application software का, किसी भी app का जो source code है, जो programming code है, अगर वो सबके लिए available करा दिया जाए, that is known as open source. ताकि उसके सोर्स कोड को देख करके लोग सीख सकें और अपना उसी के जैसा कोई सॉफ्टवेयर बना सके. सो ओपन सोर्स, इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच द ओरिजिनल सोर्स कोड इज मेड फ्रीली अवेलेबल एंड मे बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडिफाइड. फॉर एग्जांपल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड के ही ये सारे स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना होगा, अगर ये किसी को सीखना है तो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है, क्योंकि उसका जो सोर्स कोड है दैट इज अवेलेबल, कोई भी उसको देख सकता है और उसके जैसा कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. इसका अपोजिट होता है प्रोप्राइटरी सोर्स, यानी जिसका कोई एक मालिक है और उसने सोर्स कोड को छुपा रखा है. फॉर एग्जांपल विंडोज, विंडोज के जितने भी प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनके सोर्स कोड को आप नहीं देख सकते, आप नहीं ये पता लगा सकते कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना होगा, एमएस ऑफिस कैसे बना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज दैट इज नॉट ओपन सोर्स. तो ओपन सोर्स आने की वजह से ही इस फील्ड में, प्रोग्रामिंग फील्ड में, आईटी इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट हो पा रहा है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज रिलीज अंडर अ लाइसेंस इन विच द कॉपीराइट होल्डर, यानी जिसने वो सोर्स कोड तैयार किया है, कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स, यानी परमिशन देना, ग्रांट्स यूजर्स राइट्स. क्या क्या राइट्स मिलते हैं? राइट्स टू स्टडी, टू चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनीवन एंड फॉर एनी पर्पस, चाहे वो उससे पैसा कमाना चाहे तो भी जो ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ये सोसाइटी के लिए काम किया जाता है कि सबके लिए ओपन करवा दो ताकि सब लोग सीख सकें. नाउ नेक्स्ट इज अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ फॉस. फॉस इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू नॉट ओनली freely run the program for any purpose,
but also provide users access to the code. आपने नोटिस किया होगा हम इतने सारे एंड्रॉयड के एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, वो सभी फ्री की कैटेगरी में आते हैं. जैसे एमएस ऑफिस है, यू नो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें. जैसे मैंने स्लाइड बनाई वो पावर पॉइंट में. देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली अवेलेबल, जैसे नीचे दे रखा है ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी. ये सॉफ्टवेयर पैकेज फ्रीली अवेलेबल है. इसके अंदर एमएस एक्सेल की तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें पावर पॉइंट की तरह स्लाइड्स भी बना सकते हैं. इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द सोसाइटी. Moreover, it also allows them to modify as they wish, as well as freely distribute copies of the original version or their altered version. आपने नोटिस किया होगा एक ऐप आया था टिकटॉक, वो आज बंद हो गया. उसके जैसे ना जाने अब कितने ऐप्स आ गए. किसी को कहीं पैसा नहीं देना पड़ रहा है और सब लोग उसी से कमा भी रहे हैं, तो वो सभी फॉस की कैटेगरी में आए. And there are some more examples on your screen also. Fedora, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox तो पता है ना आपको क्या होता है? Google Chrome की तरह एक browser है, freely available. Blender है, Linux. What is Linux? It is an operating system, free operating system है जिसका source code available है. आप इसको study करिए, अपना operating system बना दीजिए, उसका कोई और नाम दे सकते हैं. Java, WordPress, Apache, Ubuntu, and there are many more. Even MySQL. MySQL is for free and open source software. Okay, next. Next topic is cyber crime. A crime in which computer technology is being used, that comes under cyber crime. It is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, like hacking, phishing, spam, etc., or is used as a tool to commit an offense, such as hate crimes. You know hate crimes, ऐसे crimes जिनसे आप अपना किसी community को परेशान कर सकते हैं. That comes in crime or especially hate crime. Cyber criminals may use computer technology to access personal information, business trade secrets, or use internet for exploitative or malicious purposes. For example, there is a huge list of examples. Few examples are there, like phishing scams, identity theft scams, online harassment, cyber stalking, invasion of privacy. Next, we have cyber laws. To stop crime, we have laws. Cyber law, also known as IT law. It is a law regarding information technology, including computers and internet. It is related to legal informatics and supervises the digital circulation of information, software, information security, and e-commerce. IT law does not consist of a separate area of law. Rather, it encloses aspects of contract, intellectual property, yesterday we discussed this, privacy and data protection laws. Intellectual property is the key element of IT law. Adhikar attacks intellectual property par hi hote. Major areas of cyber law, ye kahan kahan par kaam karte hain? Fraud, any type of IP fraud, copyright, defamation, harassment and stalking,
freedom of speech, trade secrets, contract and employment law. Now let us discuss few of them. First is hacking. Hacking is an attempt to exploit a computer system or a private network inside a computer. It is the unauthorized access to or control over computer network security systems for some illicit purposes. Nowadays, there are two terms related to hacking, that is ethical hacking and illegal hacking, non-ethical hacking. Ethical hacking, नाम से ही पता लग रहा है कि वो hacking जो companies allow करती, अब companies क्यों allow करेंगी hacking? Hacking is a crime. But to have control over their employees, companies want to check the log or working of their employees on a network. वो network पर properly काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस काम के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए भी hackers appoint किए जाते हैं. उन hackers को बताया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज, ये record चेक कर, हर एक information चेक नहीं कर, so that becomes ethical hacking. तो ऐसे केसेस में ethical hacking allow की जाती है, that does not come in crime. Otherwise, it is a crime. Then we have phishing. Phishing का मतलब जाल में फंसाना, ईमेल मैसेजेस भेजकर या बातों से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से. आजकल ये बहुत कॉमन है, आपके पास फोन आएगा या मैसेज आएगा, आई एम फ्रॉम एबीसी कंपनी और आई एम फ्रॉम दिस बैंक, आपका अकाउंट इस बैंक में है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपके अकाउंट की डिटेल्स चेक की जा रही है, तो इस बहाने वो आपको जाल में फंसाते जाएंगे और आपसे सारी इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आधार कार्ड नंबर, ये इंफॉर्मेशन वो धीरे धीरे चोरी करते हैं. दैट बिकम्स फिशिंग. सो फिशिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मैलिशियस इंडिविजुअल or group of individuals who scam users. They do so by sending emails or creating web pages that are designed to collect an individual's online bank, credit card or other login information. Next is cyber bullying. ऑनलाइन परेशान कर, दैट इज साइबर, किसी के कमेंट्स लिखकर परेशान कर, ट्रोलिंग कर. साइबर बुलिंग इज बुलिंग दैट टेक्स प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स. साइबर बुलिंग कैन इंक्लूड सच एक्ट्स एज मेकिंग थ्रेट्स, डराना धमकाना, सेंडिंग प्रोवोकेटिव इंसल्ट्स और रेशियल कमेंट्स, कम्युनिटी को तोड़ने के लिए कमेंट्स हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अटेम्प्टिंग टू इन्फेक्ट द विक्टिम्स कंप्यूटर एक्सेट्रा. जैसे यहाँ इधर दिखा रखा है 1100 नहीं बुलिंग कमेंट्स. ऑल दिस कम्स इन साइबर बुलिंग. ये सभी क्राइम की कैटेगरी में आते हैं. तो इफ समबडी फेसेस साइबर क्राइम, मस्ट फॉर दैट. ओके, फॉर ऑल दीज वी हैव इंडियन आईसी एक्ट. इन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था 2000, दैट इज नोन एज इंडियन आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और आईटीए 2000 और सिंपली आईटीए. इट वॉज नोटिफाइड ऑन October 17, 2000. इट इज द लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया. It is based on United Nations Commission for International Trade Related Laws, UNCTAD Modern Law. Now let us see the main or primary objectives of this ITN. First is granting legal recognition to all transactions done through electronic data exchange, yani electronic media, other means of electronic communication or e-commerce in place of earlier paper-based communication. Yani jo pehle paper-based communication hota tha, check likh karke paisa transfer kiya ja raha hai, bank mein ja karke check jama karte hain kisi ke account mein paisa bhejne ke liye. अभी वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. एवरीथिंग इज नाउ बीइंग, एवरी ट्रांजेक्शन इज नाउ बीइंग डन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सो फॉर दैट रिकॉग्निशन शुड बी गिवन. तो रिकॉग्निशन कौन देगा? फॉर एग्जांपल ये पेटीएम है, एवरीबॉडी नोज अबाउट पेटीएम. तो पेटीएम को भी तो रिकॉग्निशन देनी पड़ी होगी. जो ट्रांजेक्शन पेटीएम से किए जा रहे हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं या नहीं, अलाउड हैं या नहीं, उसके लिए परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है. ये सब कौन करेगा? आईटी एक्ट के थ्रू होगा, ग्रांटिंग लीगल रिकग्निशन. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मैटर्स रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन. आजकल आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने LIC का प्रीमियम पे किया, उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट आ गई, आपने उसको डाउनलोड किया, दैट कंटेन्स डिजिटल सिग्नेचर्स. अब मैनुअली सिग्नेचर करते हैं ना बिल पर, अब मैनुअली वो कैसे करके भेजेगा स्कैन कर करके. सो रिकग्निशन हैज बीन गिवन लीगली टू डिजिटल सिग्नेचर्स, ताकि जो रिसिप्ट है या जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक माना जाए. नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो एजेंसी. आजकल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग आसानी से की जा सकती है. फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा जैसे आधार कार्ड की सारी डिटेल्स सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड है, उसका कोई इलीगल यूज ना कर पाए. तो लीगली कोई तो एक्ट होगा जिसके अंडर में ये सारी चीजें फैसिलिटेट की जा रही थी, दैट इज आईटी एक्ट. प्रोवाइडिंग लीगल सैंक्शन एंड ऑल्सो फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे सकता है ना, एक बैंक दूसरे बैंक, जैसे देर आर सो मैनी बैंक्स, वो सभी अधिकतर RBI बैंक से लोन लेते हैं अपना काम चलाने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ई वेस्ट हजार्ड. यू नो ई वेस्ट, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो खराब हो जाता है, जो यूज में नहीं आ रहा है, That comes in e-waste, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे e-waste को मैनेज करना है, इस टॉपिक में यही पढ़ने जा रहे हैं. So e-waste hazards, electronic waste or e-waste typically includes discarded computers, computer monitors, motherboards, mobile phones and chargers, compact disc CDs, हेडफोन, टेलीविजन सेट, AC एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स
ये सभी ई वेस्ट में आते हैं और ई वेस्ट हर जगह जनरेट होता ही होता है। हमारे स्कूल में बहुत सारा ई वेस्ट था, वो हमने फिर कंपनी भिजवाया, कंपनी से जो लीगल ऑथराइज्ड कबाड़ी वाला है जो ई वेस्ट को मैनेज करना जानता है उसको बेचा जाता है, हर किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, प्लास्टिक एलिमेंट भी होता है अंदर, मेटल्स भी होते हैं, अलॉयज एंड कंपाउंड्स सच एज हार्मफुल कंपाउंड्स सच एज मर्करी, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर भी होता है बट बहुत ही कम होता है, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, टिन, लेड, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा। ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज मेड अप ऑफ डेडली केमिकल्स सी सच एज लेड, कैडमियम, बेरिलियम, मर्करी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, डिस्पोजिंग ऑफ गैजेट्स एंड डिवाइसेस इम्प्रॉपरली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ दीज डेंजरस केमिकल्स कंटामिनेटिंग द सॉइल, पॉल्यूटिंग द एयर एंड लीचिंग इन टू वाटर बॉडीज। दैट इज वाई डिस्पोजिंग ऑफ ई वेस्ट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ई वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन अ लैंडफिल, लैंडफिल किसको बोलते हैं, लैंडफिल वो एरिया है जहां पर कूड़ा करकट पूरे शहर का इकट्ठा होता है। यू माइट हैव गॉन टू दिल्ली हाईवे, साइड में कहीं आपने बहुत बड़ा पहाड़ देखा होगा, वो कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली में कई जगह है, पूरे शहर का कूड़ा वहां इकट्ठा होता जा रहा है, एक जगह तो उन्होंने पार्क बना दिया है, बाकी दूसरी जगह पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे एरियाज दैट आर नोन एज लैंडफिल्स। सो व्हेन ई वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन अ लैंडफिल जो शहर के बाहर होते हैं, इट टेंड्स टू लीच व्हेन वाटर पासेस थ्रू इट पिकिंग अप ट्रेस एलिमेंट्स, बारिश आई कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बारिश के पानी घुल सकते हैं, फिर वो पानी जहाँ जाएगा वो पॉल्यूट हो जाएगा, आफ्टर विच द कंटेमिनेटेड लैंडफिल वाटर रीचेस नेचुरल ग्राउंड वाटर विद इंक्रीज टॉक्सिक लेवल्स, दिस कैन बी हार्मफुल इफ इट एंटर्स एनी ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज। जहां से पीने का पानी लिया जाता है दैट आर नोन एज ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज, नदी हो, नहर हो। ओके, नाउ दीज आर द स्टेप्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। Let us see them one by one. First, removal of parts containing dangerous substances like mercury switches, PCB. PCB होता है आपका printed circuit board, वही green color का board जिस पर सारे components लगाए जाते हैं, जो normally CPU के अंदर होता है, TV के अंदर होता है, laptop के अंदर होता है। Removal of copper, steel, iron, gold, silver, etc. Then segregation of ferrous metals, non-ferrous metals and plastic parts. यानी कि लोहे से related metals को अलग करना, उसके अलावा बाकी type के metals को अलग करना, plastic के parts को अलग करना, that is called segregation. So segregation किया जाता है, अब parts अलग अलग हो गए, उसके बाद refurbishment अगर possible है, you know what is refurbishment? यानी अगर कोई चीज़ ठीक हो करके फिर से रीयूज में आ सकती है दैट इज कॉल्ड रिफर्बिश्ड आइटम। आजकल फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी कई कंपनीज रिफर्बिश्ड आइटम्स बेचती हैं, फॉर एग्जांपल किसी की स्क्रीन में स्क्रैच आ गया हल्का सा, उसने कंपनी ने उसको थोड़ा बहुत पैसा लगा करके ठीक कर दिया, उसको वो रीसेल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिफर्बिश्ड आइटम। So refurbishment and reuse, some parts can be repaired and put to use again. This has been done for years in our school. ये काम कई सालों से हम लोग स्कूल में करते आ रहे हैं। कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, आपने देखा होगा हमारी लैब में कितने सारे खराब कंप्यूटर्स हैं, उनके किसी पार्ट को रिप्लेस करके या ठीक ठाक करवा करके फिर से उसको चालू कर देते हैं, रीयूज हो रहा है।
then we have recycling or recovery of valuable materials like metals, non-metals. These are recovered by various processes including chemical treatments, melting, burning, etc. अब जैसे वो parts जिनके ऊपर gold की plating या silver की plating की गई है, mobile में भी gold और silver की coating होती है अंदर पे, चाहे वो 0.01% हो. Why? Because gold and silver, these are the best conductors of electricity. इसलिए गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में यूज किया जाता है. तो जो इस टाइप का काम करते हैं ईवीएस मैनेजमेंट, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर पार्ट्स को अलग करके उसमें से केमिकली ये मेटल्स अलग किए जाए. तो ये भी स्टेप हो गया. देन वी हैव लास्ट स्टेप, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ डेंजरस e-waste materials like CFCs. अभी आजकल CFCs तो कम है, बैन कर दिए गए थे बहुत टाइम पहले ही. CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. जब 30-40 साल पहले ACs और रेफ्रिजरेटर्स का यूज शुरू हुआ था, तब ठंडी गैस की जरूरत पड़ती थी, दैट वॉज मेड अप ऑफ CFC. तो CFC का इफेक्ट ये रहा कि ओजोन लेयर में होल होने लग गया था, उसके बाद CFC को बैन कर दिया गया. स्टिल इफ देयर इज अ CFC, CFCs आर ट्रीटेड थर्मली, हीट करके उसको खत्म कर दिया जाता है. PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मर्करी एक्सेट्रा, दीज आर डिस्पोज ऑफ इन अंडरग्राउंड स्टोरेज. और ज्यादा डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं, तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको 4 या 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव क्रिएटेड दीज स्लाइड्स, अदरवाइज डिटेल में तो आप जितना चाहें उतना जा सकते. नाउ सी, हेल्थ पर इसका क्या असर होता है. अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बस अब ये खत्म है, खत्म होने जा रहा है. टेक्नोलॉजी एडिक्शन, it refers to the compulsive need to spend a lot of time on the internet and other technological devices. aajkal halat to itni kharab hai ki bacche bina mobile, laptop ya computer ke khana hi nahi khate. maximum cases khana aapke samne hai par aap usko enjoy nahi karoge, aap mobile mein social media mein lage rahoge, kisne kab kya kaha aur fir फोटो खींच करके भेजोगे हम ये खा रहे हैं. इट बैडली अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स, वर्क एंड हेल्थ. आने वाली जनरेशन का क्या होगा. ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, इवन बड़े लोग घर में जिनके पास मोबाइल है, दे आर ऑलवेज बिजी विद मोबाइल्स. एक्सेप्शंस आर देयर, जो समझदार हैं वो मोबाइल को उठा करके अलग रख देते हैं, देन दे डू रेस्ट. अदरवाइज लोग तो तकिए के नीचे मोबाइल रख करके सोते हैं, रात में भी मोबाइल के पास ही हाथ होता है, जैसे कोई नोटिफिकेशन या वाइब्रेशन हुआ बस. सो ऑल दीज क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव फेस्ड लेटर ऑन. इमोशनल प्रॉब्लम, डिप्रेशन. आजकल डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, किसी ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया तो वो गुस्सा हो गया, और अगर नहीं आया परमानेंट जवाब तो वो डिप्रेशन में चला गया. क्यों, क्या, कैसे. फीलिंग ऑफ गिल्ट, आइसोलेशन, defensiveness, fear, dishonesty, anxiety समझते हो ना, हमेशा डर बना रहना, घबराहट बने रहना, हमेशा डर. भाई ये anxiety normally किसमें होती है, जिससे कोई गलती हो गई, हमेशा वो डरा रहेगा, पता नहीं कब कौन टोक दे, मैंने आज ये काम नहीं.
दिया, ये कर दिया, लाइक दैट. सो ऑल दीज आर इमोशनल इश्यूज, मूड स्विंग्स, नो सेंस ऑफ टाइम, बोर्डम विद रूटीन टास्क. देयर इज अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट, जितने लिख सकता था मैं यहाँ मैंने आपको बता दी. ऑल दीज आर इमोशनल इश्यूज. नाउ लेट अस सी फिजिकल इश्यूज. बैकएक, कोई पॉइंट अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? ये लास्ट स्लाइड है आज की. बैकएक, हेडेक, इंसोम्निया. इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना, ये एक बीमारी बन चुकी है, नींद नहीं आती. पुअर पर्सनल हाइजीन, नेक पेन, ड्राइनेस इन आईज एंड देन विजन प्रॉब्लम्स, वेट गेन और वेट लॉस, पुअर न्यूट्रिशन, and the list goes on. So with this we have finished all the topics of the chapter societal impacts. So I am finishing the lecture now. Thank you.